एडिशनल एसपी ने सेवड़ा थाना प्रांगण में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम भाइयों को बुलाकर शांति समिति मीटिंग में अपनी बात रखी। आपको बता दें, दोनों ही त्यौहार एक साथ होने की वजह से समय का परिवर्तन किया गया। बाजार में निकले की मैं वही बोल रहा हूँ, लोकल की मूर्तियाँ हैं उनको छोड़ के भाई कोई सुन तो ले, जो पूरे क्या वो भी उधर चले जाएंगे, वो कोई कैश नहीं, लेकिन जो बाजार में अगर आपने पता लगा लिया अगर 10 से 2 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 बजे तक ठीक का है। त्योहार मन चले आ रहा है अपने मूर्ति बहुत आती है, तो पक्की है आस पास गाँव की नदी के चक्कर में ज्यादा आती है, वो तो अब भी जा रहे हैं, लेकिन अपन भी सोच रहे हैं कि टाइम का ऐसा प्रभाव हो जाए दोनों चीज़ें। दो बजे तक खत्म करना है और उसके बाद प्रतिमाओं को सर्जन करना है, उसके बीच में भी 1-2 घंटे रहेगा भाई साहब, सामने पीछे होता है 1-2 घंटे का गैप, जिससे कि पुलिस जल्दी अपना खाना आना खा ले, थोड़ा रेस्ट कर। ऑल ओवर एमपी का है, एमपी का अदर प्रदेश इसमें भी है, सभी जगह यही है, वो एक ही दिन का पड़ गया ना इस वजह से अभी ऐसे वो नहीं आया। आज ये शांति समिति की जो मीटिंग पुलिस थाना सेवा में हुई है, तो सर बताएं आपका क्या मतलब क्या है कि 28 तारीख को मीटिंग थाने में रखी है, एसएनएल एसपी साहब भी आए हैं, तो यह क्या है टाइम की थोड़ी चेंजिंग होने की, क्योंकि दोनों त्यौहार जो है साथ में पड़ रहे हैं, एक गणेश विसर्जन और मियादुल नबी हमारी, तो इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें एक ही दिन है, तो इसमें समय का थोड़ा सा बदलाव होना था, तो पर लोगों ने अमन और शांति का दीते अच्छा है, अपन ने समय का बदलाव दिया है, 10 से लेकर 2 बजे तक का समय हमारा है और उसके बाद 4 बजे से मूर्ति विसर्जन होगी। मेरे चैनल के माध्यम से समाज से क्या कहना चाहोगे? नहीं, बढ़िया है, हमारे यहाँ भाई अमन शांति का पर्चा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई यहाँ अभी तक कोई समस्या हुई नहीं, ऐसी कोई परेशानी। एक बार शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम इरफान खान है, निवासी सेवड़ा। आज जो है थाने के अंदर जो है शांति समिति की मीटिंग हुई है, तो क्या संबंध में मीटिंग थी, थोड़ा आप लोग आए थे यहाँ पर बताएं आप। मीटिंग जो है इस संबंध में शांति समिति की बुलाई गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी साहब ने सबको बुलवाया था, जिसके गणेश विसर्जन भी होना है उसी दिन, और उसी दिन मुस्लिमों का जो त्यौहार है ईद मिलादुन्नबी, तो वो भी उसका भी जुलूस निकलना है, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बुलाई थी, और जिसमें कि समय का थोड़ा सा तालमेल बना रहा है और बाजार में भी भीड़ मिलने लगे और आपसी तालमेल भी बना रहे हैं उस पर, तो इसके लिए आप लोग सब सहमत रहे? जी, हम लोग सब सहमत। क्या नाम है आपको? शिवम गोस्वामी, प्रखंड सहमंत्री, विश्वेंदु परिषद बजरंग दल। और भी मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे जो कि समाज में शांति, समाज के लिए शांति के लिए यही संदेश है कि सब लोग हम आपसी भाईचारे के साथ सब यहाँ रहते हैं, और विशेषकर हम लोगों का संगठन हिंदुओं के लिए विशेष कार्य करता है, तो हमें भी जिस प्रकार त्याई साहब ने बोला है तो हमें भी कोई उसमें समस्या नहीं है, दोनों को बराबर उन्होंने समय देकर काम भी है। थैंक यू सर, नमस्कार सर। आज जो मीटिंग हुई है सर, किसके बारे में थोड़ा सा बताएं? देखिए, ये जो आगामी 28 तारीख को मिलादुल नबी और अनंत चतुर्दशी, उस दिन चूँकि मुस्लिम समुदाय है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन के पर जुलूस निकालता है, साथ ही जो कि गणेश जी अभी आपको मालूम है विराजमान है, उनका विसर्जन भी होगा जी, तो दोनों समुदायों का अलग अलग टाइम पर जुलूस निकल जाए और विसर्जन का होगा। क्या टाइम रहेगा सर अलग अलग?
अलग अलग जैसे जो यहाँ डिसाइड होगा सारे मध्य प्रदेश में जैसे हिसाब से जी आपके फर्स्ट दिन के फर्स्ट हाफ में मतलब सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक जो मिलादुल नबी का जुलूस है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लगभग 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद फिर मूर्तियों का विसर्जन स्टार्ट होगा। कोई यहाँ पर दोनों समुदाय से बात हो गई है इसी प्रकार यहाँ पर सर सहमति है दोनों समुदाय का। हाँ दोनों समुदाय सर सेवा के अलावा और भी आपने मीटिंग की जी सेवड़ा के अलावा और भी मीटिंग की अपने जी सभी जगह मीटिंग कर रहे हैं अभी भांडर में भी करके आया हूँ यहाँ भी की है दतिया में भी कर रहा अभी जाए सभी जगह ठीक है सर। और भी सर चैनल के द्वारा कुछ अपने मैसेज छोड़ना चाहते हो कुछ ये है सामाजिक मैसेज यही है कि भाई सभी लोग चूँकि गणेश उत्सव बड़े धार्मिक और उससे मनाया जाता है साथ ही मिलादुल नबी का अपना अपना त्यौहार सौहार्दपूर्ण रूप से मना एक दूसरे के त्यौहारों के प्रति कोई भी अनर्गल वार्तालाप न करें ना ही कोई गलत बात बोलें सभी लोग मिलके थैंक यू।